ओ भाई क्या मौसम हो रहा है। एनीवे हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। अभी आया मैं अपनी जॉब से वापस, और भाई इसीलिए भाई मेरे को आज थोड़ा सा आधा घंटे पहले छुट्टी मिल गई, क्योंकि भाई बारिश का मौसम हो रहा है, साथ ही बारिश भी हुई थी आज तो काफ़ी मस्त। और क्या बताऊँ कैसा नज़ारा। देखा आपने अभी फ्लैश आई थी जो, वो बिजली थी, तो उसके अलावा एक आधी बूंद भी आना स्टार्ट हो गई है उधर। अपनी जा रही है मालगाड़ी। और भाई अभी मैंने खाना वाना खाया है, अभी थोड़ी सी देर भाई शायद मस्त वाली बारिश आने वाली है। तो भाई काफी मजे ले रहा था मैं मौसम के, काफी सुहाना मौसम था, हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। लेकिन क्या हुआ, मेरे पास आया एक ईमेल कि भाई उसमें लिखा हुआ था कि सारी अकाउंट जो सर्विसेज है बंद हो गई हैं। तो भाई वो ऑफिशियल लग रहा था मुझे, तो मैंने देखा कि भाई जो है एसएमएस भी आ गया, फिर उसी के बाद कॉल भी आ गई। तो भाई मैंने चेक किया तो सच में ही मेरा जो अकाउंट था वो सस्पेंड कर दिया था। और भाई जब मैंने कॉल की कस्टमर केयर में तो पता लगा कि भाई उन्होंने केवाईसी के लिए जो है मेरा अकाउंट सस्पेंड कर दिया है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मेरा अकाउंट है, हालांकि भाई जो है मैंने अकाउंट ओपन कराते टाइम पे केवाईसी वगैरह भी करवाई थी, इसीलिए उन्होंने ओपन किया था। सारी चीजें मेरी जमा थी, मैंने उनको ट्रांजेक्शन वगैरह भी दिखाया कि देखिए आप इतने ट्रांजेक्शन विदाउट पैन कार्ड वगैरह के डॉक्यूमेंट के तो हो नहीं सकते हैं। तो फिर भाई वो मान ही नहीं रहे। तो भाई लास्ट में जो है मैंने थोड़ा सा उनको बोला, तो मैनेजर बोला कि भाई जो है पहले वाला स्टाफ था उन्होंने जो के डॉक्यूमेंट्स वगैरह जितने थे वो रद्दियों के भाव में बेच दिए। मैं भाई हद है, ऐसे जवाब वहां पे मेरे को मिले। तो भाई फिर वो बोले कि सॉरी सर, हम कुछ नहीं कर सकते, इसकी लायबिलिटी किसी पे भी नहीं है अभी। तो भाई जो है पिछला जो स्टाफ था, आप या तो केस करो या उनको ढूंढो। तो भाई ऐसा दिमाग खराब हुआ कि भाई मैं क्या ही बताऊं। लेकिन वही है भाई, काम करने वाले इंसान हैं, इतना जो है पीछे कैसे लगे। और जो बाद में देखा तो 1200-1300 बंदों के और कर रखे थे, तो भाई उन्होंने ऑलरेडी उनके ऊपर केस फाइल कर ही दिया है। तो फिर भाई वही है, अपना अलग से एक और डालने का क्या मतलब बनता है, कि पता तो वैसे भी ही लगना है। तो अभी वहां से आया हूँ और भाई माथा पच्ची हो रही थी, पूरी लड़ाई झगड़े हो रहे थे कि भाई हमने ये किया, हमने वो किया, ये हुआ वो हुआ। तो भाई जो है ये साफ सफाई और झाड़ू पोछे वाले काम अपने को ही करने पड़ रहे हैं, बिकॉज भाई प्रियंका गई हुई है जो है अपने घर पे। तो उसके बाद में अभी ये साफ सफाई होने के बाद, अभी मैंने तो आपको दिखाने के लिए किया है, हालांकि स्टार्ट नहीं करी है साफ सफाई। लेकिन भाई उसके बाद चारा वगैरह भी काटना है, और इतने सरदर्दी वाले काम है ना आज, तो बस दही की सॉलिड वाट लगने वाली है। रात को भी 12 बजे सोया था और सुबह 5 बजे ही आँख खुल गई थी, तो उसमें भी बीच में नींद टूट रही थी, तो मेरे ख्याल से 4 घंटे से ज़्यादा मैं सो ही नहीं पाया हूँ आज। आखिरकार भाई हमारा पेट भी जो ठीक ठाक हो ही गया है, तो भाई जो बंदरों ने पूरा उखाड़ दिया था, अभी बारी है वहाँ वाले काम की। तो भाई ये चारा काटना पड़ेगा भी फटाफट, और उसके बाद देखते हैं भाई, शायद मैं अपना जो है थोड़ा सा स्टडी वगैरह करूँ, और दूसरे चैनल के लिए जो स्टडी वाला है उसके लिए भी शायद आज मैं वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। तो भाई पानी वगैरह पी के अभी ये यहाँ पे बैठ के करेंगे आराम, और भाई मैं वहाँ पे करूँगा मेहनत और काम, तो भाई पूरी ऐसी तैसी हो जाती है। 1 घंटा जब इसको काटते हैं ना, हाथ वाला ये मोटर वैसे लगा रखी है लेकिन ये चलती नहीं है। तो भाई फाइनली जो है काम हो चुका है, 1.5 घंटे की एक्सरसाइज होने के बाद में बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, थोड़ी देर में मिलता हूँ। तो भाई आज थे जो बहुत सारे काम हो गए थे, इसी वजह से थोड़ी सी थकावट भी हो गई है, अभी खाना वगैरह खा लिया है। और भाई मैं जो है 100-200 कदम जो चलने होते हैं उसके लिए भाई अभी अपनी गली में घूम रहा हूँ, ताकि खाना आराम से पच जाए जब तक राहुल भी आ जाएगा।
हालांकि भाई जो है थोड़ी सी देर घूमते ही बाहर बारिश आना स्टार्ट हो गई है, और ऊपर से भाई राहुल भी आ चुका है, तो लगता है भाई ज़्यादा घूमना अच्छा नहीं है। शायद मैं भीग ही जाऊँगा, इसीलिए वापस उसकी शॉप पे जाके बैठते हैं। नहीं भाई, जो मेरी नई बाइक नहीं है, हालांकि भाई मैं आया हूँ, जो राहुल का कुछ सामान जो था वो नहीं था शॉप पे, तो भाई वो शॉप को छोड़ के नहीं आ सकता था, तो इसीलिए भाई जो है अभी मैं आया हूँ, फटाफट सामान खरीद कर निकलते हैं। एनीवे एक बात तो है भाई, जब बरसती हुई बूंदे हो ना तो बाइक चलाने का मज़ा ही अलग होता है, और ऊपर से हैवी बाइक हो तो उसमें तो स्वाद ही अलग है। हालांकि भाई जो है बजट का इशू है, इसीलिए थोड़ी सी लाइट जो है बाइक रखनी पड़ती है। एनीवे लेंगे, हैवी बाइक भी लेंगे कभी ना कभी। तो बस गाइस, इस वीडियो को रख लेते हैं इतना ही। अगर वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर सकते हो, पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब बटन दबा ही दो, और भाई जो है गलतियाँ हुई हैं तो उनको बताओ कमेंट करके यार क्या क्या सुधारूं। तो फिर मिलेंगे एक और नेक्स्ट व्लॉग में, तो तब तक के लिए बाय बाय।